जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमने एक इनपुट इमेज लिया और उसको हमने रीड किया, और रीड करने के बाद उसके हमने डिफरेंट फेस के जो लैंडमार्क्स थे वो हमने निकाले थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक फ़ोल्डर में से हम कैसे मल्टीपल फाइल्स को रीड करेंगे और उनकी इनकोडिंग निकालेंगे। इनकोडिंग क्या होती है? इनकोडिंग ये होती है कि जो एक फेस होता है ना, उसकी जो लोकेशन होती है इमेज के अंदर, उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर, एक एरे के अंदर हम रख देते हैं, ताकि वो उसको नेक्स्ट टाइम जब हमने कैलकुलेशन करनी होती है, कंपेयर करना होता है फेसेस को आपस में, तो वो मल्टीपल जो एरेज होती हैं, मैट्रिक्स होती हैं, वो आपस में कंपेयर होती हैं, तो इस तरह से कंपैरिजन होता है हमारे पास। तो इसलिए हम जो भी फेस की इनकोडिंग होती है उसको हम स्टोर कर लेंगे, और जो इमेजेस होंगी उनका जो नाम होगा वो एक डिफरेंट लिस्ट में स्टोर कर लेंगे। तो दो चीज़ें हमारे पास, एक जितने भी इमेजेस आएंगे हमारे पास एज अ इनपुट इमेजेस आएंगे, क्योंकि हमने फेस डिटेक्शन सिस्टम बनाना है, रिकग्निशन सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल इमेजेस होनी चाहिए जो कि एज अ इनपुट इमेजेस होंगी, और उनका डाटा हम स्टोर कर लेके पहले रख लेंगे। उसके बाद हम एक टेस्ट इमेज देंगे, वो उन इमेजेस के साथ कंपेयर होगी और हम बता देगी कि ये बंदा कौन है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमने एक जो हमारे पास लाइब्रेरीज हैं वो हमने इम्पोर्ट कर ली हैं CV2 इमेजेस को रीड राइट करने के लिए, फेस रिकग्निशन, डिफरेंट रिकग्निशन के जो लैंडमार्क्स वगैरह, इनकोडिंग्स वगैरह निकालने के लिए हम ये वाली लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। OS हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमने मल्टीपल फाइल्स को रीड करना है ना डायरेक्टरी के अंदर से, तो उसके लिए हम OS इम्पोर्ट एक लाइब्रेरी है उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, एक इनकोडिंग्स होंगी, हर इमेज के अंदर जितने भी फेस हैं उनकी इनकोडिंग निकलेगी, उसको हम इस इनकोडिंग लिस्ट के अंदर अपेंड करते जाएंगे। दूसरी हमारे पास एक नेम लिस्ट होगी कि हमारे पास जितनी इमेजेस हैं उनके हमारे पास नेम हो गए कुछ, वो हमारे पास नेम लिस्ट के अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो रूट पाथ दे दिया, हमने ये person2 के नाम से एक फोल्डर है जिसके अंदर हमारे पास दो इमेजेस फ़िलहाल पड़ी हुई हैं, हम उनके ऊपर परफॉर्म करेंगे ये ऑपरेशन और उसके बाद देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, मैं आपको पर्सन का फोल्डर दिखा देता हूँ, पाइचाम प्रोजेक्ट के अंदर फेस डिटेक्शन के अंदर person2, इसके अंदर मेरे पास दो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, khan.jpg और lodi.jpg। ये दो इमेज इधर हम जितने भी बंदों का हमने रिकॉर्ड रखना है वो इस फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो हमने इसका पाथ हमने रूट पाथ के अंदर दे दिया। उसके बाद हमारे पास एक ये लाइब्रेरी जो हमने ऊपर इंपोर्ट की है OS, इसके थ्रू हमने डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं ना वो सारी उठाकर इस फाइल्स के नाम से ये लिस्ट है इसके अंदर रख देगा। तो अब हमने इस फाइल्स की लिस्ट को अल्ट्रेटिवली यूज़ करना है, पहले इसके जीरोथ इंडेक्स पे जाना है, उस फाइल को एक्सेस करना है, फिर फर्स्ट पे जाना है, जितनी भी इमेजेस होंगी उतने दफ़ा लूप चलेगी, हर इमेज के लिए फेस की लोकेशन कैलकुलेट होगी, उसकी इनकोडिंग कैलकुलेट होगी, उसके अंदर जो बंदे का नाम है वो कैलकुलेट होगा, वो सब कुछ रख देंगे हमने ऊपर जो दो लिस्ट्स बनाई। तो इस फाइल्स के अंदर हमारे पास सारी फाइल्स आ जाएंगी जितनी भी उस फोल्डर में पड़ी हुई हैं। उसके बाद हम इसको बारी बारी एक एक करके एक्सेस करेंगे। हमने एक फॉर लूप लगाई है, फॉर फाइल इन फाइल्स, ये क्या करेगी कि फाइल्स के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं ना वो सारी एक एक करके उसको एक्सेस करेगा, उसको आइट्रेट करेगा। तो हमने उसके बाद क्या किया है, उसके बाद हमने फेस रिकग्निशन डॉट लोड इमेज फाइल किया है, हम इमेज जो हमारे पास फाइल के अंदर, इस फाइल के अंदर जो जीरोथ इंडेक्स पे आएगी ना इमेज, उसको हमने इसके अंदर लोड कर लिया, इस इमेज के अंदर। रूट पाथ हमारे पास जो पाथ है वो हमारे पास होम, जीशान, पाइथन प्रोजेक्ट्स और person2 तक, ये पाथ हमारे पास आएगा रूट पाथ के अंदर। और आगे हमने फाइल का नाम अपेंड कर दिया है जो हमारे पास इधर आएगा, फॉर एग्जांपल khan.jpg आ जाएगा, तो इसके थ्रू ये इमेज रीड हो जाएगी। उसके बाद हमने इमेज को रीसाइज कर लिया है जी अपने डायमेंशंस जो हमें रिक्वायर्ड हैं उसके हिसाब से। उसके बाद हमने इस इमेज, जो भी इमेज आएगी इसके लैंडमार्क्स निकालने हैं, ये हमें कैलकुलेट करके दे देगा कि ये इसके अंदर जो फेस है उसके लैंडमार्क्स, आइज़ किधर है, नोज़ वगैरह, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे कैलकुलेट करता है। तो ये मैं उस इमेज के अंदर से लैंडमार्क्स कैलकुलेट करके दे देगा। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई है कि अगर तो हमें लैंडमार्क्स नहीं मिलते, लैंडमार्क्स ना मिलने का मतलब ये है कि जो आपके पास इमेज पड़ी हुई है ना उसमें फेस डिटेक्ट नहीं हो रहा, मतलब कि उसके फेस कैमरे के सामने नहीं है, या उसका आगे पीछे है, या उसके फेस डिटेक्ट नहीं हो रहा किसी तरह से भी। तो अगर फेस डिटेक्ट नहीं होगा तो उसकी फेस की लोकेशन नहीं आएगी, फेस की लोकेशन नहीं आएगी तो हमारे पास उसके जो डिफरेंट लैंडमार्क्स हैं वो नहीं आ सकेंगे। फेस डिटेक्ट नहीं होता तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ नहीं होगी, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि जो हम इनपुट इमेज देंगे उसके अंदर फेस क्लियरली डिटेक्ट हो रहा हो।
और जो इसकी एल्स कंडीशन है उसमें हम ये बता रहे हैं कि अगर फेस डिटेक्ट हो जाता है उस इमेज में तो उसकी जो इनकोडिंग निकलेगी, उसकी जो फेस लोकेशन निकलेगी, उसकी हम इनकोडिंग निकाल लेंगे। और वो हम एफ ई, हमारे पास एक लिस्ट है, इसके अंदर 128 इनकोडिंग्स जो होंगी ना इमेज की, उस इमेज की जो भी हमारे पास करंटली लूप के अंदर चल रही है, उसकी इनकोडिंग हम एफ ई, एक लिस्ट है, उसके अंदर सेव करा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास फेस इनकोडिंग निकली है उसको हम एक इनकोडिंग लिस्ट जो हमने ऊपर बनाई थी उसके अंदर स्टोर कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो फाइल का नेम है, फाइल के नेम हमारे पास फॉर एग्जांपल खान डॉट जे पी जी है, तो उसमें डॉट की बेस पे हम सेपरेट कर लेंगे। वो डॉट से पहले पहले वाला पोर्शन नेम, जो नेम हमारे पास लिस्ट है उसके जीरोथ इंडेक्स पे रख देगा, और जो हमारे पास डॉट जे पी जी है, डॉट के बाद वाला जे पी जी वाला पोर्शन है वो नेम के सेकेंड इंडेक्स पे रख देगा। तो इस तरह से हमारे पास जो नेम की सेपरेटिंग हो जाएगी, नेम सेपरेट हो जाएगा और उसकी एक्सटेंशन सेपरेट हो जाएगी। तो ये मान ली एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमने जो है ना इमेजेस उनके अगेंस्ट जो नेम है वो भी हमने स्टोर कराने हैं और इनकोडिंग भी स्टोर करानी है। तो इनकोडिंग हमने इनकोडिंग लिस्ट में स्टोर करा ली, उसके बाद नेम को सबलिट किया, उसके जीरोथ इंडेक्स पे उसका नेम आ गया और फर्स्ट इंडेक्स पे उसकी एक्सटेंशन आ गई। उसके बाद जो जीरोथ इंडेक्स पे नेम आया उसको हम नेम लिस्ट के अंदर अपेंड कर देंगे। ये वाला सारा प्रोसेस एक इमेज के लिए हुआ है। उसके बाद फॉर लूप की दूसरी कंडीशन चलेगी, दूसरी कंडीशन में दूसरी इमेज आ जाएगी और सेम प्रोसेस उस पर भी होगा, उसकी इनकोडिंग निकलेगी, उसका नेम निकलेगा और वो स्टोर हो जाएगा। अब हमने इस प्रोजेक्ट को डीबग किया है, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जिस तरह से हमने ये फोल्डर को लोड किया इसके अंदर जितनी भी फाइल्स थी वो हमारे पास फाइल्स के अंदर आ गई। उसके बाद हमने लूप चलाई, लूप के अंदर जो सबसे पहले लोदी डॉट जे पी है वो उसने उठाई और उसके बाद ये उसकी इनकोडिंग निकल आई है, मैथमेटिकल वैल्यूज़। और उसके बाद उस इमेज को रिम रिसाइज कर लिया है, रिसाइज करने के बाद हमने उसके लैंडमार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं। ये उसके लैंडमार्क्स कैलकुलेट करके ले आया है, इसमें हमारे पास हर उसके जो लैंडमार्क्स हैं उनकी पोजीशन वगैरह, इमेज में किस जगह पर हैं, ये बॉटम लिप, चिन, लेफ्ट आईब्रो, नोज ब्रिज, ये सारे हर चीज़ की जो हमारे पास लोकेशन है ना वो लैंडमार्क्स के अंदर आ जाएगी, उसके कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद दोबारा हमने कंडीशन चेक कर ली कि वो अगर फेस डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर फेस डिटेक्ट हो गया है तो एल्स कंडीशन चलेगी। उसके बाद उसने वो एक प्रिंट स्टेटमेंट में बता दिया कि इस इमेज में फेस डिटेक्ट हो गया है। उसके बाद जो इसकी इनकोडिंग निकलेगी वो उसको उसके जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी थी इमेज की उसके अंदर वो इनकोडिंग 128 वैल्यूज जो एन डी एरे के अंदर उसने स्टोर कर ली हैं। इसके अंदर एक से ले जीरो से लेकर 127 तक टोटल वैल्यूज़ होंगी, ये इनकोडिंग्स होती हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने इस इनकोडिंग को, जो इनकोडिंग लिस्ट हमने ऊपर बनाई थी, इसके अंदर अपेंड कर दिया, ये इसके अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। ये देखें ये स्टोर हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास जो लोदी डॉट जे पी जी के नाम से फाइल थी उसमें लोदी उसने सेपरेट कर लिया, जे पी जी अलग सेपरेट कर लिया। इसमें अब हमें जो मेन कंसर्न है हमारा वो फर्स्ट जीरो इंडेक्स से है, वो हमने नेम लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया जी। इनकोडिंग लिस्ट में उसकी इनकोडिंग आ गई है, नेम लिस्ट के अंदर उसका नेम आ गया। इसी तरह ये सारा प्रोसेस दूसरी इमेज के लिए चलेगा, खान डॉट जे पी जी के लिए, खान डॉट जे पी आई। अब इसके अंदर उसने इमेज को लोड किया है, उसको रिसाइज किया है, उसके जो लैंडमार्क्स कैलकुलेट किए हैं, उसके बाद फेस डिटेक्ट हुआ है तो एल्स कंडीशन चली है, उसकी इनकोडिंग निकली है, उसको इनकोडिंग लिस्ट में रखा है, नाम को सेपरेट किया और उसको अपेंड कर दिया है। तो इस तरह से हमारे पास फोल्डर में जितनी भी फाइल्स होंगी वो नेम लिस्ट के अंदर आ जाएंगी, तो उसके नाम और इनकोडिंग लिस्ट में उनकी इनकोडिंग्स आ जाएंगी। तो इस तरह से हम इनकोडिंग निकाल कर उनको एक सेपरेट फोल्डर में, सेपरेट लिस्ट्स के अंदर, एक जीरो इंडेक्स पे हमने उसके इनकोडिंग पहली इमेज की आ गई और फर्स्ट इंडेक्स पे उसके दूसरे इमेज की इनकोडिंग आ गई। इस तरह जितने भी इमेजेस होंगे सारी इनकोडिंग्स इनकोडिंग लिस्ट में आ जाएंगी और जो नाम है वो नेम लिस्ट में आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।